नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। सामने जो आप देख रहे हैं आतिया तालाब झांसी, जी हां, यह झांसी का आतिया तालाब है, लेकिन यह आतिया तालाब के पीछे का हिस्सा है। यहां से आप जो देख रहे होंगे सामने किले का भी नज़ारा दिखाई देता है, और इसके ठीक सामने अंदर जाने के लिए शक्ति नगर, जो कि झांसी की VIP कॉलोनी है, खूबसूरत कॉलोनी है, और इसी कॉलोनी में बना हुआ है द फूड वर्ल्ड। ये जो रेस्टोरेंट है जिसका हम आपको अंदर से पूरा लुक दिखाते हैं, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत बनाया गया है इसको। चलिए हम आपको थोड़ा सा अंदर से इसको दिखाते हैं, द फूड वर्ल्ड क्या है और अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। तो चलिए सीधा हम आपको पहले अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यह रिसेप्शन दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है द फूड वर्ल्ड, और ये अरुण राय जी हैं। इनका जो ये फूड वर्ल्ड आप देख रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इसको मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो लुक बनाया गया है वो बहुत क्रेजी और बहुत खूबसूरत है। हर चीज़ यहाँ पर आपको बेहतरीन साफ सुथरी नज़र आ रही होगी। जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत खूबसूरती से इसको निखारा गया है। हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि किस प्रकार से जो हमारे कस्टमर हैं उनको खूबसूरती नज़र आए। ये देखेंगे आप तो यहाँ पर ये जो बैठे हुए के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं वो हैं, और एक अंदर भी केबिन बनाया गया है जो आप बाहर से भी देख रहे हैं और अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा केबिन है, हम इसको अंदर भी दिखाते हैं इस केबिन के। लेकिन इसकी जो खूबसूरती दी गई है वो गजब की है। ये आप अंदर का जो केबिन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बाकायदा प्लेट लगी हैं, मेन्यू कार्ड रखा हुआ है, बैठने के लिए खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ से भी आप बाहर का लुक देख सकते हैं। ये पर्दा डल गया है ताकि आप वहाँ का लुक ना देख सकें। यहाँ पर स्क्रीन लग जाती है जिस पर आप पिक्चर या अन्य चीज़ें इसको देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पर जो इसके ओनर हैं उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि यह फूड वर्ल्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या इसका क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, ये बताओ ये जो आपका द फूड वर्ल्ड है, यहाँ कैसे आपको प्रेरणा मिली यहाँ खोलने की, क्या है इसका उद्देश्य? यहाँ पर काफी कोचिंग्स वगैरह हैं। जी जी। और तालाब का भी अपना सुंदरीकरण काफी हो चुका है। जी जी। बहुत होना है लेकिन काफी हो चुका है, रात में बड़ा अच्छा माहौल रहता है यहाँ। जी 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 जी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि मैंने एक कैफे बनाया है कि आदमी आए, जी, अच्छी अच्छी डिशेज, अच्छे अच्छे शेक्स, मॉकटेल्स वगैरह ट्राई करें जी और उसका लाभ उठाएं। तो यहाँ पर विशेष डिश क्या क्या बनाते हैं आप? हमारे यहाँ मेन कोर्स छोड़ के आपको सब मिल जाएगा, चाइनीज बर्गर, शेक्स, मॉकटेल्स, ये आपको सब मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। और कॉफी वगैरह सब? बर्गर, कॉफी सब। बर्गर, कॉफी वगैरह मेन कोर्स छोड़ के आपको सब मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे अनमोल जी हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं राय साहब जिनके पिताजी हैं। तो आप यदि झांसी के आतिया ताल या आसपास के इलाके में यहाँ आ रहे हैं, जैसा कि हमारे मार्केट संवाद के कई सारे सब्सक्राइबर यहाँ लगातार आते हैं, तो आप फूड वर्ल्ड में आइए, एंजॉय कीजिए, खूबसूरत आपको नज़ारा दिखाई देगा और खाना पीना भी आपको यहाँ पर बहुत लजीज मिलेगा। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।
ये आप देख सकते हैं कि ये सामने कितना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, जिस पर आप पूरा मनोरंजन के साधन जो आपको नज़र आते होंगे वो देखते हैं, और यहाँ से बैठ के आप अपना खान पान का एंजॉय करें। तो एक बार ज़रूर आइएगा, द टेस्टी वर्ल्ड में आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।